नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए मार्केट में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545, साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि मार्केट में फिलहाल किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि इवनिंग ट्रेड में बाजार की चाल क्या है। और शाम के कारोबार में अगर मार्केट को देखें तो गोल्ड का भाव करीब 90 रुपये ऊपर है, 31,000 के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और चांदी की बात करें तो आज शुरुआती दौर से ही चांदी में तेज़ी अच्छी रही है, करीब 590 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। क्रूड में करीब 0.25% की मजबूती है, 2921 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस में गिरावट बढ़ गई है, करीब 0.25% नीचे है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। और कॉपर में करीब 0.5% की कमजोरी है। निकिल का भाव काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा है, 0.25% की तेज़ी है। और जिंक में बिल्कुल फ्लैट कारोबार, 148 के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेड में 5 पैसे की बढ़त, 130 के आसपास। सोयाबीन में करीब 0.25% की तेज़ी है, 3300 के ऊपर है सोयाबीन का भाव। सोया तेल में करीब 0.25% की मजबूती है। टर्मरिक में 2 रुपये की मजबूती है, 7000 के आसपास यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो यह है मार्केट का ताज़ा हाल। और अब बात कर लेते हैं बम्पर कॉल की। आज की पहली बम्पर कॉल है सिल्वर, जहाँ पर 45,650 के स्तर पर बाइंग किराया दी गई है। 46,150 का टारगेट होगा, 45,380 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं, निकिल 656 पे आप बाई करें, 675 का टारगेट होगा और 647 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल सिल्वर है, 45,600 के भाव पर आप बाई करिए, 46,600 का टारगेट होगा और 45,000 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर का। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने गोल्ड स्मगलिंग के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गैर कानूनी तरीके से ये रैकेट पिछले 2 साल में करीब 7,000 किलो सोना भारत ला चुका है। इसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बताई जा रही है। ये रैकेट म्यांमार से गोल्ड की स्मगलिंग करता था। ये लोग भारत म्यांमार बॉर्डर से गोल्ड को दिल्ली लाते थे और फिर यहाँ से देश के दूसरे इलाकों में पहुँचाते थे। इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आपको बता दें कि देश के अलग अलग इलाकों में गोल्ड सप्लाई के लिए ये लोग एयर कार्गो का इस्तेमाल करते थे। और हाल ही में DRI की दिल्ली यूनिट ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक कार्गो से 10 किलो सोना जब्त किया था। इस मामले की जांच के बाद DRI के गुवाहाटी के बिजनेसमैन और दिल्ली में उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। तो एक बड़ा पर्दाफाश आप देख रहे हैं और ये खबर जी बिजनेस के हाथ लगी है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर गोल्ड की स्मगलिंग पकड़ी गई है। और इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता दीपू राय हमारे साथ जुड़े हैं। दीपू, एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इस खबर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बता दें दिल्ली के जो व्यापारी हैं नरेंद्र जैन, उनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि जो गुवाहाटी के उनके पार्टनर थे, गुवाहाटी से ये सोना स्मगलिंग होता था और 2.5 साल तक ट्रैक किया DRI ने, तब जा कर के इतना बड़ा जो करीब 7,000 kg का गोल्ड जो है उसने स्मगल किया जा रहा था उसको उसने सीज किया है। दिल्ली के DRI की जो यूनिट है दिल्ली बेस्ड, उसके से जब मेरी बात हुई तो उसका साफ कहना था कि ये ऑपरेशन एक लंबे समय से हम लोग चला रहे थे, लेकिन 1 सितंबर को रात को जब एक कंसाइनमेंट आ रहा था एक प्राइवेट एयरवेज से, उसके बाद हमने जब उसको पकड़ा तब वहाँ से सिलसिलेवार तरीके से ये सारी खबर मिलनी शुरू हो गई। आपको बता दें कि नरेंद्र जैन जो दिल्ली का व्यापारी है, वो छठी बार इसी तरह के अपराध में गिरफ्तार किया गया है दिल्ली में। और ये माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा सीजर है स्मगलिंग का, क्योंकि जिस तरह से एक लंबे समय से लग रहा था कि दुबई और सिंगापुर से इंडिया में गोल्ड स्मगल हो रहा है और
स्पेशली तब जबकि कस्टम ड्यूटी 10% कर दी गई थी, तो डिफरेंसेस जो प्राइस के थे गोल्ड के वो सिंगापुर और दुबई के मुकाबले इंडिया में बेटर उनको मार्जिन मिल रही थी। तो एक बड़ी कोशिश हो रही थी कि आखिर इतना बड़ा लेवल पर स्मगलिंग हो रहा है और वो कहाँ से आ रहा है। आपको बता दें कि ये स्मगलिंग का जो अभी DRI ने जिसको पकड़ा है वो म्यांमार बॉर्डर से, और ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो भी इसमें शामिल हैं इस नेक्सस में, लेकिन DRI ने डिटेल्स देने से अभी इनकार किया है। उनका कहना है कि अभी हम इस पर और ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक बड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया है जिसमें 7,000 kg का गोल्ड पकड़ा गया है। जी, तो 7,000 kg गोल्ड यहाँ पर पकड़ा गया, एक बड़ी खबर यहाँ पर दीपू बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपू आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं कि आज बाजार में आप किस तरह से ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं आप। और हमारे साथ पहले कॉलर इनफैक्ट जुड़ चुके हैं, राजेश हैं MP से, सोयाबीन पर इनका सवाल है, पूछिए राजेश। सर, सोयाबीन में निचले का लेवल क्या दिख सकता है और यहाँ से ऊंची जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है? हाँ, सोयाबीन का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। अमित सजेजा हमारे साथ हैं। अमित, क्या कमेंट होगा आपका सोयाबीन के ऊपर? आज इस काउंटर में तेजी आई थी, लेकिन आगे का आउटलुक आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, करंटली जो तेजी है एक काफी बड़ी गिरावट के बाद आ रही है, तो मैं इसे शॉर्ट कवरिंग ही कहूंगा, बट ये शॉर्ट कवरिंग फिलहाल तो 3,400 तक एक्सटेंड हो सकती है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में, तो अपसाइड में वो लेवल इम्पोर्टेंट है। अगर वहां से फिर दोबारा प्राइस नीचे जाती है तो डाउनसाइड के इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स करीबन 3,130 के एरिया में बैठेंगे, तो ब्रॉडली ये रेंज रह सकती है, अपसाइड 3,400, डाउनसाइड 3,100। ओके, ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, सूर्या हैं आगरा से, चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, मेरा प्रियांक सर से सवाल है सर। हाँ, पूछिए पूछिए। मैं सर ये जानना चाहता हूँ, सिल्वर 50,000 के भाव एक महीने पहुँचेगी, 32,000 के भाव, ठीक है, कब तक जाएगा? 50,000 सिल्वर और 32,000 गोल्ड का लेवल प्रियांक उपाध्याय कब तक दिख सकता है? देखिए, अगर हम 6 महीने से 1 साल का व्यू अगर लें तो मुझे लगता है कि एक बुलिशनेस इन प्राइसेस आ सकती है टुवर्ड्स 50,000 जो हमारे व्यूअर कह रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अभी एक क्रूशियल लेवल्स है 43,000, 42,000, ये एक अच्छा सपोर्ट्स मार्केट ने बनाया है। जब तक भाव उसके नीचे नहीं जाते हैं और क्लोजिंग नहीं होती है तब तक ट्रेंड लॉन्ग टर्म का अपसाइड की तरफ बना रहेगा, एंड वी शुड हेड हायर ओवरऑल इन द दिस बुल मार्केट टुवर्ड्स 49,000 टू 50,000 इन 6 to 1 year। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ प्रदीप हैं आगरा से, क्रूड पर इनका सवाल है, पूछिए प्रदीप। हाँ सर जी, मैंने 29-28 पे बाई कर रखा है। 29-28 के स्तर पर आपकी बाइंग है क्रूड में। अमित सजेजा, क्या इनको अभी रुकना चाहिए? कुछ तेजी शाम के कारोबार में आप क्रूड में और देख रहे हैं? जी, इनकी बाइंग एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में है या अक्टूबर में? आपका किस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड है लगता है? ठीक है, आप बता दें, दोनों के बारे में बता दें प्लीज। जी जी जी, देखिए 2880 शॉर्ट टर्म में नियर मंथ जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपायरी वाला वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इनफैक्ट आगे चलते हुए भी 2880-2870 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर आप स्टॉप लेके होल्ड कर सकते हैं। यदि इसके नीचे अगर डेली क्लोज आता है या इंट्राडे भी अगर सस्टेनेंस होती है तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने मिल सकता है या जो करंट फॉल है वो कंटिन्यू हो सकता है। मेरे हिसाब से 2870 का स्टॉप काफी है। ठीक है, अजय है यूपी से, निकिल पे इनका सवाल है, पूछिए अजय। सर, मैंने आपको पहले कॉल किया था तो आपने 650 रुपये पे बाइंग बताई थी निकल की, तो मैंने 650 पे भी खरीदा हुआ है और 700 रुपये पे भी खरीदी हुई है। अब मुझे कहाँ तक रुकना चाहिए बताएं प्रियांक? देखिए, यहाँ पे मेरे हिसाब से 645 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन में बने रह सकते हैं और इमीडिएटली मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 675, 680 तक एक बार जा सकता है मार्केट। 700 के ऊपर एक बार फिर से अगर प्राइसेस सस्टेन करेंगे तब एक अच्छा खासा प्राइसेस में बुलिशनेस आ सकता है।